first of all in this video as we are taking the pregnancy series okay uh, in the first video i have discussed you about the fda category and drug interaction in the second video i have described about your antibiotics and your analgesic in the third video i will be discussing about your oral changes as well as the dental treatment to a pregnant woman i hope you all are safe and uh, enjoying studying so starting with the lecture the first topic is your oral uh, consideration what are the oral consideration in the oral consideration uh, the mainly we find the problem is your uh, your pregnancy induced gingivitis that cause in the uh, second prime minister क्यों होता है हम लोग का सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में क्योंकि प्रोजेस्टरॉन और इस्टर के हार्मोन के फ्लक्चुएशन के कारण सेल्फ इंड्यूस हम लोग का जिंजिवाइटिस हो जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हम लोग का जिंजिवाइटिस हो जाता है अच्छा ये जो मैं जो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो मैं बोल रही हूँ कितने से कितने वीक के लिए प्राइम मिनिस्टर हो रहा है एक से बारह वीक के लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थर्टीन से ट्वेंटी एथ वीक के लिए सेकेंड प्राइम मिनिस्टर एंड ट्वेंटी एथ से फोर्टीथ वीक के लिए आपका थर्ड प्राइम मिनिस्टर तो आप जितने भी आपको डेंटल ट्रीटमेंट करने हैं वो सब कुछ आपको सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में करना है ठीक है वी कैन नॉट गेट चांस इन टू योर फर्स्ट एंड योर थर्ड प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट में इसलिए नहीं क्योंकि फर्स्ट इज़ हैविंग द बिगेस्ट चांसेस ऑफ मिस कैरेज तो हम लोग वेरियस ओरल चेंजेस के बारे में हम लोग बता रहे थे सबसे पहले मैंने बताया कि जिंजिवाइटिस तो जिंजिवाइटिस के कारण हम लोगों को होता है सेकेंड मेरा जो होता है वो होता है मेरा प्रेगनेंसी ट्यूमर प्रेगनेंसी ट्यूमर में क्या होता है उसको हम लोग मतलब बहुत नॉट ओनली योर हॉर्मोनल चेंजेस ठीक है तो पहले मैं आपको प्रेगनेंसी ट्यूमर के बारे में मैं बताती हूँ वो आपको पायोजेनिक ग्रैन्युलमा इसको हम लोग बोलते हैं ये हम लोगों का प्रेगनेंसी जैसी ओवर होता है ना फिर अपने आप ये हम लोगों का ठीक हो जाता है ठीक है पायोजेनिक ग्रैन्युलमा और बैक्टीरिया कौन कौन सा हम लोगों का इन्वॉल्व होता है पी जिंजीवाइटिस पी इंटरमीडिया एंड एंड बैक्टीर ठीक है अदर देन योर जिंजिवाइटिस एंड योर पायोजेनिक ग्रैन्युलमा थर्ड हम लोग का जो ओरल कंसिडरेशन होता है वो होता है हम लोग का इरोजन क्यों क्योंकि प्रेगनेंसी में बार 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 द पर्सन इज हैविंग वोमिटिंग तो हम लोग एज अ डेंटिस्ट उसको कैसे रिकमेंड कर सकते हैं कि जैसे ही वोमिटिंग होता है आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है तो तुरंत आप मत ब्रश कीजिए थोड़ा टाइम लीजिए और उसके बाद आप थोड़ा ब्रश कीजिए फोर्थ ओरल कंसिडरेशन होता है आपका जेरोस्टोमिया तो मैंने आपको कितने ओरल कंसिडरेशन बोले जेरोस्टोमिया पायोजेनिक ग्रैन्युलमा देन योर जिंजीवाइटिस

कोई भी अगर इमरजेंसी हो तभी हम लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर में करेंगे वरना हर एक डेंटल ट्रीटमेंट हम लोग सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में करेंगे अगर आपका प्रोफाइल एक्सेस है तो हम लोग कोई भी प्राइम मिनिस्टर में कर सकते हैं अगर आपका रेस्टोरेशन है तो हम लोग सेकेंड और थर्ड प्राइम मिनिस्टर में भी कर सकते हैं अगर हम लोग को एपिनेफ्रिन एल देना है तो हम लोग कोई भी प्राइम मिनिस्टर में कर सकते हैं पर याद रहे एपिनेफरिन हम लोग आई नहीं देंगे एंड रेडियोग्राफ अगर नेसेसरी हो तभी हम लोग देंगे वरना हम लोग नहीं देंगे ओके सो दिस आर ऑल द योर डेंटल कंसिडरेशन और हम लोग का एक पेशेंट पोजिशनिंग भी है कि पेशेंट पोजिशनिंग कैसे करेंगे हम लोग प्रेग्नेंट पेशेंट मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट को लेफ्ट साइड में उसको हम लोग लेटा के राइट right हिप को हम लोग ऊपर करके उसको हम लोग पोजिशनिंग करवाएंगे और जो हम लोग का जो ओरल uh, सर्जरी है वो भी हम लोग को पोस्टपोन करना चाहिए जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता और पेशेंट पोजिशनिंग भी हम लोग सेकेंड एंड ट्राई थर्ड ट्राई मिनिस्टर में ही करवाएंगे इवन इन द प्रेगनेंसी वी कैन ऑल्सो सी योर हाइपरटेंशन टेंशन एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट इज अबव योर नॉर्मल लेवल ऑफ द हाइपर टेंशन का वैल्यू And gestation diabetes is also seen. So I just repeat. What are the things we can see? So many many things we can see. That is your first of all your pregnancy induced gingivitis, your uh, pyogenic granuloma, then your erosion, then uh, after the erosion even we can see your uh, uh, gestation gestation diabetes. Then we can see your hypertension then patient positioning patient positioning can also be uh, done with your left uh, in the left side and to overcome the blood pressure with the right leg to be uh, elevated and uh, radiograph if necessary and oral surgery could, should be done in the second trimester or after the baby have uh, means uh, after the birth of the baby okay so these are all the consideration we should take care of. Other than that the restoration, profile axis we can do at any phase. But uh, if we are using the epinephrine LA that we can use in any phase but not in the IV. But the surgical processes we have to do uh, after your baby born or in the second prime minister all type of oral changes in the pregnancy is due to your hormonal or your uh, bacterial okay mainly it's hormonal that is your estrogen and progesterone and uh, the and the bacteria which i have uh, discussed is bacteroids p gingivalis and p uh, your your uh, bacteroids your p uh, p your uh, port gingivitis as well as your p intermediate. ओके सो दिस ऑल द कंसिडरेशन प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड एज अ डेंटिस्ट द मेन थिंग वी हैव टू टेकन केयर इन सेकेंड एंड थर्ड प्राइम मिनिस्टर इज द पेशेंट पोजिशनिंग हमेशा हम लोग को लेफ्ट साइड में राइट uh, लेग right को एलिवेट करके पेशेंट को लेटाना चाहिए क्यों क्योंकि ताकि ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है सो दिस आर ऑल द कंसिडरेशन अदर देन दैट आई विल बी डिस्कस दिस टॉपिक अगेन इन माई क्लासरूम वीडियोज़ थैंक यू